गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ओके, हमारी पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के साथ ही सिलेबस पे भी डिस्कशन किया था और सेकंड यूनिट तक हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट वी हैव टू रीड इन दीज टू यूनिट्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड यूनिट। द नेम ऑफ थर्ड यूनिट, आई एम शेयरिंग स्क्रीन ऑल्सो, इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, एज नेम सजेस्ट दैट द प्रोहिबिशन इज ऑन द सम एग्रीमेंट्स दैट हैज इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। ओके, एंड दिस यूनिट कैरीज वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। दैट मीन यू कैन एक्सपेक्ट टू फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट, एंड इन दैट रिस्पेक्ट दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। दो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन लॉ ऑल्सो, बिकॉज देर आर ओनली थ्री एक्टिविटीज दैट कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोहिबिट्स। राघवन कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन पे ये एक्ट बनाया गया था, दैट राघवन कमेटी हैज सजेस्टेड दैट टू मेंटेन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट हमें केवल तीन ही एक्टिविटी को रोकना है। द फर्स्ट एक्टिविटी इज वेयर इंटरप्राइजेज इन द मार्केट कंबाइन टुगेदर थ्रू द एग्रीमेंट। थ्रू द एग्रीमेंट दे नॉट टू कंपीट ईच अदर। सो इफ देर इज एनी सच एग्रीमेंट वेयर दे डू नॉट वॉन्ट टू कंपीट, दैट एग्रीमेंट शुड बी प्रोहिबिटेड, दैट एग्रीमेंट शुड बी पिनलाइज्ड। द सेकेंड एक्टिविटी इज डोमिनेंट पोजिशन अब्यूज। वैन एन एंटरप्राइज इंटर इन ए डोमिनेंट पोजिशन एंड स्टार्ट अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजिशन, सो दैट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन ऑल्सो इज प्रोहिबिटेड, एंड हमें वो अब्यूज है उसको रोकना है। एंड थर्ड एक्टिविटी दैट ऑल इंटरप्राइजेस दे परफॉर्म वेल बट समटाइम दे आर नॉट एबल टू सस्टेन इन द मार्केट। लाइक जो फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया था एज एन एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था सामान खरीदने और बेचने का, लेकिन बाद में वो बिक गया एंड वॉलमार्ट ने उसको खरीद लिया। सो बिजनेस अक्वायर भी होते हैं, बिजनेस मर्ज भी होते हैं, बिजनेस एंटिटीज जो हैं वो कॉन्ग्लोमरेट भी होते हैं, लेकिन अगर कोई दो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं उनके एक्विजिशन मर्जर एंड कॉन्ग्लोमरेशन, जिनको कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन कहते हैं, अगर इसके कॉम्बिनेशन के कारण भी मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन डिस्टर्ब होता है, प्रतिस्पर्धा जो है वो प्रभावित होती है, तो उसको भी हमें रेगुलेट करना है। सो पूरे कॉम्पिटिशन एक्ट, जिसमें आपको काफी सारे सेक्शन देते हैं, उसकी आत्मा केवल इन तीन सेक्शंस के अंदर ही है, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5-6। ये तीन प्रोविजंस जो हैं दे आर सब्सटेंटिव इन द नेचर। सब्सटेंटिव मीन्स दे क्रिएट्स एनी ए प्रोविजन इज सब्सटेंटिव दैट क्रिएट्स राइट और ड्यूटीज। दीज प्रोविजन क्रिएट्स ड्यूटीज ऑन द इंटरप्राइजेस नॉट टू डू दीज एक्टिविटीज, एंड अदर प्रोविजन्स आर प्रोसीजरल। सेक्शन 19, हाउ कॉग्निजेंस विल बी टेकन इन केस ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन।
Section 20, how cognizance will be taken in case of combination. Section 26, how inquiry will be done. Section 27, what orders CCI can pass. Section 28, what orders CCI can pass along with Section 27 in case of abuse of dominant position. In case of the inquiry related to CCI found that it caused appreciable adverse effect. Appreciable means कुछ जिसकी value हो, negligible नहीं हो, trifling नहीं हो, जैसे कि आपके IPC में होता है, section 19 अपना कुछ एक दो line लिख ली और आपने कहा कि भाई इन्होंने बिना पूछे मेरा ये किया है, और सपोज किसी ने आपको हल्का सा धक्का दे दिया या किसी ने आपका एक पेज फाड़ दिया, और इस पे आप कोर्ट चले गए, तो वहां जज कह सकता है कि दिस ट्रिफलिंग एक्ट एंड ट्रिफलिंग एक्ट, तो इसी तरह से यहाँ पे एप्रिशिएबल को का मतलब ट्रिफलिंग ही है, नेलिजिबल नहीं है, वो अप्रिशिएबल जिसका कुछ वैल्यू जो इसे कुछ प्रभावित करता हुआ दिखता हो, मतलब
एग्रीमेंट के लिए कम से कम दो लोग तो जरूरी है। क्या बिना दो लोगों के एग्रीमेंट हो जाएगा? कोई समझौता एक अकेले के बीच में तो नहीं होगा। अकेला तो डिसाइड करता है, समझौते के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है। तो पहला एलिमेंट और पहली रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 का है कि देयर में मस्ट बी टू और मोर इंटरप्राइज। अब इंटरप्राइज क्या है? प्राइज एक कंपनी भी हो सकती है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है। और सेकंड चैप्टर के अंदर जहां हमने डेफिनेशन पढ़ी, वहां सेक्शन हम इंटरप्राइज पढ़ेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने CCI वर्सेस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म्स एंड टेलीविजन, जो कि सेकंड यूनिट में आपका सेकंड केस है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन को और वाइडली इंटरप्रेट किया है। तो पहला रिक्वायरमेंट है सेक्शन 3 का, पहला एलिमेंट है दैट देयर मस्ट बी टू और मोर इंटरप्राइजेस। सेकेंड थिंग इज दैट उन इंटरप्राइजेस के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट प्रूव होना चाहिए। नेहा, मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा एक मिनट। और वो एग्रीमेंट जो है वो आप सेक्शन 2B में डिफाइन है, वहां से हम उसको भी समझेंगे कि एग्रीमेंट कैसे है। बट ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले की तरह नहीं है, बिकॉज जब इंटरप्राइजेस को पता है कि ऐसा एग्रीमेंट करने से उनको पनिशमेंट मिल सकती है, उनके ऊपर जुर्माना हो सकता है, तो वो लिखित में नहीं रखते। एंड थर्ड थिंग कि ये जो एग्रीमेंट है ये ऐसा ही कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ये उनके जो गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं उनके प्रोडक्शन स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल और एक्विजिशन से संबंधित होना चाहिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट कि इस एग्रीमेंट, इस समझौता जो कि दो या दो से ज़्यादा इंटरप्राइजेज के बीच में हुआ है, उसका कॉम्पिटिशन के ऊपर विपरीत प्रभाव होना चाहिए, एप्रिशिएबल विपरीत प्रभाव होना चाहिए। यस नेहा, मैं ये कहती थी यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, नो एंटरप्राइज शुड एंटर इनटू एग्रीमेंट, तो फिर यहाँ पे मतलब नो एंटरप्राइज इंटर इनटू, या ऐसे कह लो इंटरप्राइज सेल नॉट, बातें की है ये नेगेटिव कनोटेशन में काउस्ट है। ये नहीं कह रही मैं, एक सिंगल इसकी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे टू एंटरप्राइज की नीड की बात नहीं की गई ना। नो एंटरप्राइज, नो एंटरप्राइज इंटर इनटू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में इंटर जब एक इंटरप्राइज करेगी तो किसी के साथ ही तो एग्रीमेंट करेगी। बात तो आपकी सही है, इंटरप्राइज भी है, ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज भी है, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव फाउंड दैट देयर आर फोर एलिमेंट, ये चार इसके तत्व हैं। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? फर्स्ट वी विल डिस्कस द स्कीम ऑफ सेक्शन 3, ओके। देन वी विल डिस्कस दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, वन इज हॉरिजेंटल एग्रीमेंट, अनदर इज वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजेंटल मीन्स एट द सेम प्लेन एंड वर्टिकल मीन्स ऊपर नीचे। सपोज हमें एक पानी की बोतल खरीदनी है या कोई भी प्रोडक्ट लाइक मोबाइल फोन, सो मोबाइल फोन एज ए कंज्यूमर यू वांट टू परचेज, बट हाउ दिस मोबाइल फोन रीच एट योर हैंड, देयर इज ए प्रोडक्शन चेन। द फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, दिस पर्टिकुलर गुड्स। Then manufacturer, after manufacturing, it went to the distributor. There are some companies that are engaged only in distribution. Then from distributor, it went into the retailers. From retailer to the, wholesaler. Wholesaler to the retailer. And finally, retailer to the consumer. So manufacturer, distributor, wholesaler and retailer. और इन चारों में ही, जरूरी नहीं एक ही कंपनी एंगेज होती है, अलग अलग कंपनियां एंगेज होती हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग काम होते हैं।
कुछ कंपनियां केवल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कुछ कंपनियां केवल स्टोरेज रखती हैं, कुछ कंपनियां केवल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, कुछ कंपनियों का केवल काम डिलीवरी का होता है, कुछ कंपनियों का काम केवल होलसेलर का होता है. सो सपोज देर आर टू मैन्युफैक्चरर और टू डिस्ट्रीब्यूटर और टू होलसेलर और टू और मोर रिटेलर. ऐसी इंटरप्राइजेज जो प्रोडक्शन चेन, इस पूरे चेन को प्रोडक्शन चेन कहते हैं, उस प्रोडक्शन चेन के सेम प्लेन में है. इफ द इंटरप्राइजेज आर एट द सेम लेवल ऑफ द प्रोडक्शन चेन एंड देन द एग्रीमेंट हैपन्स, ये जो एग्रीमेंट होगा इसको हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहेंगे. एंड इफ दिस एग्रीमेंट इज कवरिंग अंडर सेक्शन 3, सो इट इज हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. अगर कोई समझौता, इफ द एग्रीमेंट इज बिटवीन टू इंटरप्राइजेस हु आर एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेन, लाइक द एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर और होलसेलर एंड रिटेलर, सो इस तरह का जो समझौता होगा, इस तरह का जो एग्रीमेंट होगा जहां पे इंटरप्राइजेज अलग लेवल पे है प्रोडक्शन चेन में, उसको हम वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोलते हैं. एंड जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट जो होता है जिसमें डायरेक्ट जो है कंपटीशन को नुकसान पहुंचता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कहें कि हम कॉम्पीट ही नहीं करेंगे, दोनों एक जैसा प्रोडक्ट निकालेंगे. सपोज दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेडमी और सैमसंग कह दे दोनों एक ही के मोबाइल टाइप के निकालेंगे, दोनों की सेम कैपेसिटी, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम प्राइस, दोनों कॉम्पीट करेंगे नहीं कॉम्पीट करेंगे कि मेरा ज्यादा बिके कि तुम्हारा ज्यादा बिके. सो अल्टीमेटली हु विल बी अफेक्टेड? कंज्यूमर. कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो कंपनी रिसर्च एंड इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, कंपनीज ऐसा सिस्टम नहीं फाइंड आउट करेंगी जिससे कि सामान जो है या जो सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो कंज्यूमर को सस्ते दाम पे मिले. एंड इसलिए जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है उनको पर से एंटी कॉम्पिटिटिव माना गया है. जो सेक्शन 3 है इसमें 5 सबसेक्शन है, सेक्शन 3(1), सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 5. सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इज द मेन एंड देयर इज प्रोहिबिशन, मनाही है इस तरह के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की जो प्रतिस्पर्धा पर एप्रिशिएबल विपरीत प्रभाव डालता हो. और अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो उसका लीगल इफेक्ट है कि दैट इज वॉइड, वह शून्य होगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 पे. अब ये एग्रीमेंट अगर हॉरिजॉन्टल इंटरप्राइजेस के बीच में है तो केवल आपको प्रूव करना है कि कोई दो या दो से ज्यादा इंटरप्राइजेस थी, दूसरा उनके बीच एग्रीमेंट था. एग्रीमेंट प्रूव करना जरूरी है फैक्टम, बिकॉज बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द पार्टी दैट गो टू द कोर्ट, सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन द पार्टी दैट गो टू द कोर्ट, वेदर इट इज सिविल और क्रिमिनल. ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, सेक्शन 103 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो इफ समवन वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ स्पेशल एक्सेप्शन टू सेक्शन 300, कौन बेनिफिट लेना चाहेगा? डिफेंस लेना चाहेगा मर्डर के केस में, तो डिफेंस को प्रूव करना है कि जी सेक्शन 300 का ये एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है. सो उसको ऑनर्स ऑफ प्रूफ बोलते हैं. बट बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज प्रोसिक्यूशन पे है. सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज जो है आपका प्लेंटिफ पे है, पिटिशनर पे है, और इसमें इन्फोर्मेंट पे है. अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में आप देखोगे कि ये रूल ऑफ पर से है. बस आपको, आपने इंटरप्राइजेस प्रूव कर दिए, एग्रीमेंट प्रूव कर दिया, वो एग्रीमेंट प्रोडक्शन सप्लाई स्टोरेज से रिलेटेड प्रूव कर दिया, तो लॉ समझेगा कि जब डायरेक्ट दोनों के बीच में है समझौता जिनको मार्केट में कंपटीशन करना चाहिए, दैट मीन इट इज कॉजिंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट. बट इफ द एग्रीमेंट इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एग्रीमेंट then rule of reason will apply. Rule of reason means that even you have to prove that this agreement caused the appreciable adverse effect.
how you will prove that it will cause the appreciable adverse effect, some parameters are given. Section 19.3 में कुछ parameters दिए हुए हैं, उन parameters के according उसका positive effect, उसका negative effect, और फिर उसको wave किया जाता है. अब यहाँ पे इतना scientific mathematical calculation तो होता नहीं है law में, but उसको wave करके ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाता है कि ये prove हो गया that it cause appreciable adverse effect. वहाँ पे man to man vary भी कर जाता है, maybe lower court, maybe CCI said that it cause appreciable adverse effect. एप्लेट ट्राइब्यूनल में हो सकता है कि नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिवर्स कर दें. बिकॉज यहाँ पे थ्री टीयर स्ट्रक्चर है, पहले CCI इंक्वायरी करेगा, फिर अब फर्स्ट अपील में अपलेट ट्राइब्यूनल के पास सेक्शन 53 कैपिटल ए, एंड सेकंड अपील में सेक्शन 53 कैपिटल टी. किसके ये कैपिटल ए और कैपिटल टी है? कॉम्पिटिशन एक्ट के. सुप्रीम कोर्ट में CCI, अपलेट ट्राइब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट, ये थ्री टीयर स्ट्रक्चर है. ठीक है, यहाँ पे वो कोर्ट वाला है नहीं, बिकॉज मार्केट से रिलेटेड ये एक्ट है. एंड देयर इज अनदर थिंग इन द चैप्टर, दैट इज बिड रिगिंग. बिड रिगिंग, जैसे इलेक्शन रिगिंग आपने सुना, बिड रिगिंग कि बिडिंग होने से पहले ही, बोली होने से पहले ही पार्टी मिल जाए कि दोनों एक ही बोली लगाएंगे, कोई दाम नहीं गिराएगा. अगर कहीं सप्लाई की सामान हो कि भाई हम सप्लाई करेंगे या हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जब टेंडरिंग होती है तो उसमें उससे पहले ही वो साझगांठ कर लें, तो उसको बिड रिगिंग या कोलसिव बिडिंग बोलते हैं. अब आपको इसमें मतलब पढ़ना क्या है, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट पहली चीज, सेकंड हॉरिजेंटल एग्रीमेंट, थर्ड वर्टिकल एग्रीमेंट, फोर्थ रूल ऑफ परसे, फिफ्थ रूल ऑफ रीजन, सिक्स एप्रीशियबल एडवर्स इफेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है सेक्शन 19.3 के हिसाब से, सेवंथ बिड रिगिंग और कोलुसिव बिडिंग, एंड एट्थ वन इज कार्टल. कार्टल क्या होता है, सेक्शन 2C में डिफाइन किया है कि अगर कोई एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर्म होते हैं अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक सुगर मिल्स, सारी सुगर मिल्स इकट्ठी होकर कह दें कि ऑल इंडिया सुगर मिल एसोसिएशन, ऑल इंडिया जूट मिल्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ऑल इंडिया सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन. लेकिन एसोसिएशन फॉर्मेशन करना प्रोहिबिट नहीं है, यह तो आपका अधिकार है, आप करो. बट जब वो एसोसिएशन के मेंबर ऐसे एग्रीमेंट में इंटर होते हैं, जब वो एसोसिएशन ऐसा डिसीजन लेता है, और अगर कोई एसोसिएशन डिसीजन लेता है तो इसका मतलब है कि वो सारों के समझौते से हुआ. आपकी क्लास ने अगर कोई डिसीजन लिया, इसका मतलब सारे मेंबर उसमें शामिल है. सो डिसीजन टेकन बाय एसोसिएशन विल बी कंसीडर्ड एज दैट इट वाज थ्रू द एग्रीमेंट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट एसोसिएशन. तो वो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे लिमिट टू कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन सेल ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सो उस एसोसिएशन को फिर हम कार्टल बोल देते हैं, उत्पादक संघ, कार्टल. और अगर कार्टल करके कोई एक्टिविटी करता है एंटी कॉम्पिटिटिव, तो उसको और भी ज्यादा सजा मिलती है, उसको और भी ज्यादा जुर्माना पड़ता है सेक्शन 27B के प्रोविजो में. प्रॉफिट का 3 times तक हो सकता है. ठीक है, तो ये 8 चीजें हमें चैप्टर 3 में पढ़नी है. अब आप अपने चैप्टर 3 में देखिए कि केसेस दिए हुए हैं, और नॉर्मली लॉ फैकल्टी में जो क्वेश्चन आते हैं दैट विल बी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज टू मेक स्टूडेंट यू नो कॉम्पिटेंट टू डिटरमाइन और टू यू नो एग्जामिन प्रैक्टिकेबली इन द प्रॉब्लम टू अप्लाई सेक्शन 3. सेक्शन 3 का 3 लगेगा या सेक्शन 3 का 4 लगेगा, तो कैसे अप्रोच करना है. केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है, एंड ये एक अनलिखित अनरिटन कन्वेंशन है लॉ फैकल्टी की, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट से वो क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन
जो केसेस आपको दिए हुए हैं, ये इसी सब्जेक्ट की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में है, जो केसेस दिए हुए हैं, जो ऑलरेडी डिसाइडेड केस हैं कोर्ट से, ऑलरेडी डिसाइडेड हैं डिफरेंट अथॉरिटीज से, केवल उन्हीं केसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी हम पूछ लेते हैं, उन्हीं केसेस के फैक्ट्स को यूज करके उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब है कि इन चार क्वेश्चनों में, इन चार प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चनों में से दो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे एग्जामिनेशन, इन्हीं चार क्वेश्चनों में से। ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई चीज बता रहा हूं, ये आप भी इन्फर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एक पोर्शन कुछ जो है थ्योरेटिकल हो, फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन आना इन्हीं से है। अब इसका जो पहला केस है, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीमेंट मैन्युफैक्चरर। उससे पहले जो मैंने बताया कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के चार एलिमेंट हैं, पहला कि दो या दो से ज्यादा इंटरप्राइज होने चाहिए, इंटरप्राइज जो कि सेक्शन 2H में डिफाइन है, और इंटरप्राइज के ऊपर अगर आपको केस पढ़ना है तो आपके फोर्थ यूनिट में जाके एक केस है, इसका नाम है, जिस पे आप लिख भी सकते हो, ये मैं इसको हाईलाइट कर दिया, दिख रहा है आपको? हेलो, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सुरेंद्र सिंह बर्मी वर्सेस बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इस केस में क्वेश्चन उठता है कि जो आईपीएल मैचेस हैं जो बीसीसीआई कंडक्ट करवाती है, और उन आईपीएल मैचेस में फ्रेंचाइजी राइट, स्पॉन्सरशिप राइट, मीडिया राइट के से रिलेटेड जो समझौते हुए, वो एंटी कॉम्पिटिटिव हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। तो क्वेश्चन होता है कि उसके लिए पहले ये तो प्रूव करो कि बीसीसीआई इंटरप्राइज है, एंड बीसीसीआई टुक द प्ली दैट बीसीसीआई इज नॉट एन इंटरप्राइज, ये तो एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है जो कि क्रिकेट को कंट्रोल करती है, क्रिकेट को रेगुलेट करती है इंडिया में, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई बिजनेस इंटरप्राइज नहीं है। एंड सीसीआई ने डिसाइड किया कि नहीं, जो सेक्शन 2H में जो डेफिनेशन है उसके लिए कोई कंपनी होना ही जरूरी नहीं होता है, उसकी फॉर्म देखी जाती है, और बीसीसीआई वेरी वेल जनरेट रिवेन्यू बाय मीडिया राइट्स, बाय सेलिंग टिकट्स एंड सो मेनी थिंग्स, एंड सो इट इज इंटरप्राइज। सेकेंड एलिमेंट जो सेक्शन 3 का है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट सेक्शन 2 भी में एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह नहीं डिफाइन किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2H कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ, एग्रीमेंट क्या है सेक्शन 2E में, दैट प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, प्रोमिसेस सेक्शन 2A, और उसको एक्सेप्ट करना सेक्शन 2B, और उन एक्सेप्टेंस के साथ दोनों पार्टियों की कंसिडरेशन होनी चाहिए। एंड जब ये प्रोमिस जो कि एक्सेप्टेड है और दोनों तरफ कंसिडरेशन है, तब ये जाके आपका एग्रीमेंट बनता है। यद्यपि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन इन द रिटन फॉर्म, बट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को उस हिसाब से भी नहीं लिखा, यहां सेक्शन 2B में कहता है एग्रीमेंट कोई अरेंजमेंट हो सकता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती, कोई एक्शन इन कंसर्ट हो सकता है। क्योंकि जो लोग समझौता करते हैं, जिनको पता है इससे जुर्माना हो सकता है, कुछ एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ, दे विल नॉट शाउट फ्रॉम देयर टॉप ऑफ देयर हाउस, इवन समटाइम द एक्शन इज टेकन, इवन समटाइम द मीटिंग ऑफ माइंड हैपन विद द विंक ऑफ आईज। दो मूवी में होता है ना, दोनों आंखों से आंख में देखते हैं और फिर एक तरफ मुड़ जाते हैं ऐसे करके, सो दैट कैन बी, बट देयर मस्ट बी समथिंग दैट शोज दैट देयर वॉज द मीटिंग ऑफ माइंड, देयर वॉज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मे बी थ्रू द वर्ड्स और थ्रू द आई कॉन्टेक्ट और बाई थ्रू सम अदर मीन्स, देन सो दैट देयर वॉज द म्यूचुअलिटी। सो ये फैक्टम ऑफ एग्रीमेंट प्रूव करना जरूरी है, अगर आप एग्रीमेंट ही प्रूव नहीं किए तो फिर एक्शन कैसे होगा, बिकॉज सेक्शन 3 तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि प्रोहिबिशन किस पे है, एग्रीमेंट पे है, क्या नहीं करना है, एग्रीमेंट नहीं करना है, क्या शून्य होगा, एग्रीमेंट शून्य होगा।
तो एग्रीमेंट की ही सारी लड़ाई है. सो द मेन और द पाइटल इश्यू इन सेक्शन 3 इज एग्रीमेंट. मार्जिनल नोट देखिए, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, उस ग्रुप का नाम देखिए, प्रोहिबिशन ऑन एग्रीमेंट. वो तो अंदर जाके पता चलता है कि कौन सा एग्रीमेंट जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज करे, अदरवाइज मनाही तो एग्रीमेंट पे है. सो फॉर प्रूविंग एग्रीमेंट समटाइम डायरेक्ट एविडेंस यू विल नॉट फाइंड. एंड बिकॉज कॉम्पिटिशन लॉ इज द कम्स अंडर सिविल लॉ, सो हियर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज नॉट ऑफ दैट स्ट्रिक्ट दैट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. द बर्डन ऑफ प्रूफ इज द प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट स्टिल बर्डन इज देयर, प्रूव तो करना पड़ेगा आपको. एंड समटाइम डायरेक्ट एविडेंस आर नॉट अवेलेबल, सो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस विल बी यूज. कंडक्ट ऑफ द पार्टी एंड बिफोर द कंडक्ट इफ दे गॉट द अपॉर्चुनिटी दैट देयर इज द एविडेंस दैट सम पार्टी मेट इन ए होटल एंड आफ्टर देयर मीटिंग दे हैव टेकन दे डिड इन ए यू नो सीम्स टू बी लाइक इन म्यूचुअल बेनिफिट मैनर. तो इससे तो यही पता चलेगा कि जो एग्री जो पहले मीटिंग हुई थी उसी में उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है. एंड इसके लिए जो एग्रीमेंट का जो फैक्टम प्रूव करना है उसके लिए आपके पास केस है, केस नंबर 6. इसके ऊपर आप लिख लो दैट सेक्शन 6 जो ये केस 6 है, प्रूफ ऑफ एग्रीमेंट, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीमेंट मैन्युफैक्चरर. एक जो रियल स्टेट के बिल्डर्स हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं एंड जिनको एक दो कट्टे सीमेंट नहीं हजारों कट्टे सीमेंट की जरूरत होती है, उन्होंने इंफॉर्मेशन फाइल की सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियां जैसे कि आपके बिनानी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और ये जितनी भी सारी सीमेंट कंपनियां, कि इन्होंने एक साथ प्राइस बढ़ा दिया. और प्राइस बढ़ाने का तरीका क्या था, जिसको प्राइस पैरेललिज्म बोलते हैं, पैरेलल बिहेवियर, कि इनकी कैपेसिटी होते हुए भी सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम किया. नाउ दिस इज वेरी सीरियस इशू. व्हेन यू आर इन द मार्केट यू आर फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यू वांट दैट व्हाटएवर अमाउंट ऑफ द सीमेंट यू कैन मैन्युफैक्चर दैट फुल कैपेसिटी यू हैव टू डू. बट हाँ, मानी गई थी कीर्ति, मानी गई थी कीर्ति इज आस्किंग बीसीसीआई मानी गई थी क्या? मैंने कहा हाँ मानी गई थी. ठीक है, सो ऑल दिस प्राइस पैरेललिज्म, दिस डिक्रीजिंग इन प्रोडक्शन पैरेललिज्म, जो इनके कंडक्शन जो भी कंडक्ट थे और उसके बाद में इनकी अपॉर्चुनिटी टू मीट, इन्हीं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे इट वाज प्रूव्ड दैट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी despite having their capacity to manufacture more, reduce their manufacturing so that in the market there will be scarcity. कि बाजार में सीमेंट की कमी हो जाए और when सीमेंट की कमी होगी price will shoot up, price बढ़ जाए. ठीक है, second आपका case है exclusive motor private limited versus automobile Lamborghini. Now this case is on a concept और उसका नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी. यहां पे इंटरप्राइज वर्ड यूज है कि इंटरप्राइज विल नॉट, दिस इंटरप्राइज इज नॉट लाइक ए सेपरेट लीगल पर्सन. मे बी देर आर टू कंपनीज दैट आर टू सेपरेट लीगल पर्सन, बट उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी है कि उनको एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट ही ट्रीट किया जाए. Legally they are separate, but economically they are single. So उस केस में वो अलग enterprises ना हो के एक ही enterprise होगी और उनका जो agreement हुआ वो समझा जाएगा कि enterprise के बीच का agreement ही है, किसी enterprise का दूसरी enterprise से agreement नहीं है. तो ऐसे concept को single economic entity का concept बोलते हैं. And on the concept of single economic entity, this exclusive motor private limited versus automobile Lamborghini company. This case is related to super sports car, जो
फरारी और उस तरह की जो सुपर स्पोर्ट्स कार होती है ना, दैट कैन रीच अप टू द स्पीड ऑफ 250 अप टू 220, शू दे करके निकल जाती है। अब उससे रिलेटेड जो मार्केट है एंड द कंपनी दैट वाज ओरिजिनल देयर, फॉक्सवैगन जो मेन उनकी कंपनी, और उसकी जो सब्सिडरीज कंपनी है बहुत सारे, इनके जो ब्रांड हैं ऑडी एंड लंबरगनी एटसेट्रा, वो कहीं ना कहीं जाके सारे एक ही कंपनी के वो ब्रांड या एक ही कंपनी की सब्सिडरीज है। दे इस्टेब्लिश एन अनदर कंपनी इन इंडिया टू यू नो एक्सपोर्ट, दिस इंडियन कंपनी विल इम्पोर्ट एंड दे एक्सपोर्ट द सुपर स्पोर्ट कार इन इंडिया। नाउ बिटवीन दिस सब्सिडरी कंपनी एंड मेन कंपनी एग्रीमेंट था दैट ओनली सब्सिडरी कंपनी विल सेल दिस सुपर स्पोर्ट्स कार, एंड द क्वेश्चन वॉज दैट दिस एग्रीमेंट इज इन द नेचर ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, बट इट वॉज हेल्ड दैट दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन द सेम इंटरप्राइज, लीगली मे बी दे आर टू यूनिट, क्योंकि जब इंडिया में भी कंपनी बनेगी तो वो भी एक लीगली तो अलग कंपनी बनेगी, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी विल अप्लाई एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज एन सिंगल इंटरप्राइज, बट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 3 देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन वन इंटरप्राइज टू अनदर इंटरप्राइज। सो दिस इंटरप्राइज मीन्स एन इकोनॉमिक एंटिटी, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। थर्ड केस, शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा सेल्स कार इंडिया लिमिटेड, शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा सेल कार इंडिया लिमिटेड, दिस वॉज बिटवीन वन इज वेन कार मैनुफैक्चरिंग कंपनियां दे सेल कार, सो दैट इज द सेल ऑफ गुड्स, एंड आफ्टर सेल ऑफ कार द कार हैज टू गेट रेगुलरली रिपेयर्ड, सर्विसेज होती है ना, पहली 2 महीने, फिर 4 महीने, फिर 6 महीने, फिर हर साल सर्विस करानी पड़ती है, एंड रिपेयर सर्विस भी होती है, सपोज योर कार गेट डैमेज बाई एनी रीजन, सो दैट रिपेयर ऑल्सो बी डन। सो दिस आफ्टर सेल सर्विस इज द डिफरेंट सर्विस एंड कार दैट इज डिफरेंट गुड्स। कार कंपनियां इस तरह से वारंटी रखती हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं वो उन्हीं के ऑथोराइज सेंटर से किया जाए, एंड इन दिस रिगार्ड दे मेड सर्टेन एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट रिफ्यूजल टू डील विद द अदर इंटरप्राइजेज हु आर एट द लोअर ऑफ प्रोडक्शन चेन, कि हम स्पेयर पार्ट देंगे नहीं जेन्युइन, बाहर से तुम कैसे करवाओगे, एंड एवरी पर्सन वॉन्ट दैट वेन हिज कार गेट रिपेयर्ड दे वॉन्ट द स्पेयर जेन्युइन स्पेयर पार्ट। सो दिस सेक्शन इज ऑन द सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, ऑन द सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। ओके, देन द नेक्स्ट केस इज राजस्थान सिलेंडर एंड कंटेनर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राजस्थान सिलेंडर एंड कंटेनर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि हमारी एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर करता है, अब उनको सिलेंडर, ये एलपीजी गैस भरने के लिए कुछ खाली सिलेंडर चाहिए, सो उनको 105 लाख सिलेंडर की जरूरत थी, सो दे गिव द टेंडरिंग एंड ओनली 4-5 कंपनीज कम फॉर टेंडरिंग, बट ऑल दीज कंपनीज दैट प्रोवाइड एमपीटी सिलेंडर जिसमें कि भर के उनको बेचना था, उन एमपीटी सिलेंडर की, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिर उसकी पैकेजिंग के लिए आपको प्लास्टिक की बोतल या और कोई कंटेनर चाहिए, तो वो कंटेनर के लिए जब बिडिंग की गई तो उसमें सेम प्राइस कोटेशन मिली उनको सिमिलर, एंड सो दिस केस इज ऑन बिड रिगिंग और कोलुसिव बिडिंग अथॉरिटेटिव जजमेंट बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड द लास्ट केस इज समीर अग्रवाल वर्सेस सीसीआई, दिस केस इज आल्सो फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड दिस केस इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हब एंड स्पोक कार्टल, द कॉन्सेप्ट ऑफ हब HUB हब एंड स्पोक SPOKE, द
the concept of hub and spoke cartel. This case was related to Ola and Uber car services. और जो informant जो कि एक lawyer था उसने कहा कि जो ये Ola और Uber हैं ये पहले ही अपने drivers को एक algorithm से price बता देते हैं, जैसे आपको यहाँ से 2 लाख हुआ जाना है, so through the algorithm they went, you know, find out a price and this price is, you know, given to every driver who wanted to take this ride. Okay, so there is no possibility left between driver and potential rider for negotiation, and so this is in form of hub and spoke, that one side there is you know, rider, another side there is this driver, and on the third side there is this Uber or Ola company, and this Uber and Ola company make such an arrangement by which the negotiation is not possible. So this agreement that having two legs is in form of hub and there are spokes. वैसे ताड़ियां होती है ना, जो टायर होता है बीच में हब होता है फिर स्पोक्स ताड़ियां होती है, तो ये ओला और उबर उस तरह से, और हर ड्राइवर के साथ वो इस तरह से बताते कि आपको इतने रुपए में ले जाना है, 100 रुपए में, इससे कम नहीं. तो ये जो फिक्स कर दिया, ये जो एग्रीमेंट टाइप में हो गया, सो दैट इज ऑल्सो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट. इसका एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हब एंड स्पोक कार्टलाइजेशन. यूएस के अंदर प्रिवलेंट है, बट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हब एंड स्पोक कार्टलाइजेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते, और इस केस में तो जरूर अप्लाई होता ही नहीं है. ठीक है, सो ये 5 केसेस हैं और व्हाट प्रोविजंस यू हैव टू डिस्कस व्हाइल डिस्कसिंग टॉपिक 3. केवल 4 सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे. पहला सेक्शन 3, दूसरा सेक्शन 19 कॉग्निजेंस और कैसे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट निकालना है, तीसरा सेक्शन 26 की इंक्वायरी कैसे होगी, चौथा सेक्शन 27 की कौन कौन से ऑर्डर अगर CCI इंक्वायरी में फाउंड करता है कि वॉयलेशन है, दैट मीन कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है, तो उस पर क्या क्या एक्शन ले सकती है. सेक्शन 27 में 5 तरह के ऑर्डर पास कर सकता CCI, और वो पांचों ऑर्डर 5 अलग अलग क्लोज में है, सेक्शन 27A, सेक्शन 27B, सेक्शन 27C, सेक्शन 27D, सेक्शन 27E. ओके, नाउ कम टू फोर्थ चैप्टर. फोर्थ चैप्टर इज रेगुलेशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज 20 मार्क्स, दैट मीन 1 full-fledged क्वेश्चन यू विल फाइंड इन योर एग्जामिनेशन. You can expect 1 question from this particular topic. And again, the main section is section 4. उसके साथ में वही same तरीका है, because inquiry का section 3 और section 4 की inquiry का एक जैसा तरीका है, and section 5-6 जो कि regulation of combination की inquiry का different तरीका है. So section 4, section 19, सेक्शन 26, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28. ये 5 सेक्शन आपको इसमें पढ़ने होंगे, 4, 19, 26, 27 एंड 28. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, दैट जब आप देखते हैं सेक्शन 4 को, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ. ये देखिए सेक्शन 4, सेक्शन 4 आपका सेकंड ग्रुप में पड़ता है. चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 ऑफ कंपटीशन एक्ट, इसमें 3 ग्रुप हैं. पहला ग्रुप किसके लिए है, कॉम्बिनेशन प्रोविजन ऑन एग्रीमेंट्स, सेकंड प्रोविजन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. सो आपको यहां नजर आ रहा होगा प्रोविजन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रोविजन
ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। इसका मतलब है कि प्रोहिबिशन जो है वो अब्यूज के ऊपर है, केवल डोमिनेंट पोजिशन अगर किसी इंटरप्राइजेस के है दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड, बट व्हेन द इंटरप्राइज दैट इज इन डोमिनेंट पोजिशन स्टार्ट अब्यूजिंग, सो सच अब्यूज इज प्रोहिबिटेड, सच अब्यूज इज यू नो सीन बाय द सीसीआई एज बैड एक्टिविटी। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जो कि ऑपरेटिंग प्रोविजन है, बिल्कुल एक लाइन का छोटा सा प्रोविजन है बट वेरी इफेक्टिव, और इस एक लाइन ने बहुत सारी कंपनियों पे हजारों करोड़ का फाइन डलवाया है। इन लास्ट ईयर जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज किया तो उस प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर समवन हैज फाइल्ड रिट पिटीशन दैट इट इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइट ऑफ पुट्टू स्वामी जजमेंट, बट सीसीआई ने शू मोटो कॉग्निजेंस लेके कहा कि this is not only privacy issue but this has some competition issue also, and aggrieved by that WhatsApp went to the Delhi High Court ki res judicata should apply and the matter is already pending. Delhi High Court said that CCI is a special authority and it look only into the competition issue. The matter that is before Supreme Court, maybe that arises from the same facts but that inquiry is different, and the High Court rejected WhatsApp application और competition के ऊपर CCI ने prima facie opinion करके inquiry की आदेश दे दिए। पीछे भी बहुत सारी कंपनियों पे DLF पे भी बहुत लंबा फाइन पड़ा। अब provision क्या है देखो, छोटा सा पढ़ो आप, no enterprise shall abuse its dominant position, या आप ऐसे कह दो इंटरप्राइज सेल नॉट अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है, थोड़ा फैंसी टर्म में लिखा है नेगेटिव कोनोटेशन में बट मतलब है दैट मीन प्रोहिबिशन है, शैल नॉट कंप्लीट प्रोहिबिशन है, किस पे, डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सो सवाल आता है कि सेक्शन 4 को कैसे प्रूव करेंगे, बर्डन तो इन्फॉर्मेंट पे है, हमें प्रूव तो करना होगा। सेक्शन 4 के दो पार्ट इसमें दिखते हैं, पहला कि डोमिनेंट पोजीशन दिखाएं, दूसरा उसका अब्यूज दिखाएं। हाउ टू प्रूव डोमिनेंट पोजीशन इन द सेक्शन 4 इटसेल्फ, जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ए सेक्शन 4.2 के बाद में। डोमिनेंट पोजिशन मीन्स पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ इंजॉयड बाई एन एंटरप्राइज इन द रिलेवेंट मार्केट विच इनेबल इट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कम्पिटिटिव फोर्स प्रिवेलिंग इन द रिलेवेंट मार्केट और अफेक्ट इट्स कॉम्पिटिटर और कंज्यूमर इन द रिलेवेंट मार्केट। मतलब डोमिनेंट पोजिशन ऐसी पोजिशन है जहाँ पे इंटरप्राइज इंटर इन सच ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ it enjoy that it is not affected by market forces. कोई भी enterprises है उसके ऊपर हमेशा market pressure रहता है कि अगर वो goods को और quality better नहीं किया या price ज़्यादा रखा तो consumer उसके छोड़ के चले जाएंगे। consumer को नहीं पता है कि Indian company है कि कौन सी company है, उनको तो अच्छी quality की goods और services चाहिए और comparatively कम rate पे चाहिए। So there is always pressure. Similarly, there is pressure from other competitor also. आप एक ही चीज को सारी कंपनियां before some time, some years back, all telecommunication company were giving their data pack and you know their plan at a cost. हमारे time में आपका भी time होगा, छोटे रहे होंगे, जब 1 GB data पूरे महीने के लिए मिलता था इतने ही price में। आज 1 GB 2 GB डाटा पर डे मिल जाता है बिकॉज जियो आके उन्होंने ऐसा कर दिया। सो देर इज प्रेशर फ्रॉम कंज्यूमर साइड, देर इज प्रेशर फ्रॉम कॉम्पिटिटर साइड। बट अगर कोई इंटरप्राइज ऐसी सिचुएशन में आ जाए, ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कंज्यूमर, कि छोड़ के जा रहे नहीं, लाइक एप्पल का मोबाइल फोन, सेम टाइप ऑफ कॉन्फिग्रेशन का मोबाइल फोन आपको Redmi or some other company you can get of 10 rupees or 20,
10,000 और सॉरी 20,000 और 15,000, 10-15 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि कोई कहेगा कि इतना प्राइस क्यों, नया कुछ इसमें फीचर आ ही नहीं रहा है। दे आर नॉट इफेक्टेड बाई देयर कंपिटिटर ऑल्सो। सो रीचिंग इन सच ए पोजिशन इज द डोमिनेंट पोजिशन। बट ये डोमिनेंट पोजिशन प्रूव कैसे करोगे? इसके लिए पहले आपको मार्केट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस मार्केट जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, उसको रिलिवेंट मार्केट बोलते हैं। रिलिवेंट मार्केट फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन 2R जो रिलिवेंट मार्केट डिफाइन करता है, सेक्शन 19(5) के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। और रिलिवेंट मार्केट के लिए रिलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रिलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, ये दोनों चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। और इन दोनों चीज़ों को डिटरमाइन करने पे आपके पास एक रिलिवेंट मार्केट मिलेगा। उस रिलिवेंट मार्केट में कौन कौन सी इंटरप्राइजेस काम कर रही हैं, उन इंटरप्राइजेस के हिसाब से कुछ फैक्टर्स हैं। आप देखोगे कि आपका जो है इसका कस्टमर बेस कितना है, इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कितना है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कितना है, एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स आर गिवन, देन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज इन द डोमिनेंट पोजिशन। इफ डोमिनेंट पोजिशन इज प्रूव, द सेकेंड थिंग विल बी कंडक्ट दैट इज इन क्वेश्चन। देर आर 5 टाइप्स ऑफ द कंडक्ट दैट इज मेंशन इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, सेक्शन 4(2)(a), (b), (c), (d), (e), जो कि अब्यूसिव कंडक्ट माने गए हैं। सो आफ्टर प्रूविंग डोमिनेंट पोजिशन, यू हैव टू प्रूव इन दैट द कंडक्ट ऑफ द इंटरप्राइज जो क्वेश्चन में है, जिस कंडक्ट के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, जिस कंडक्ट पे किसी को एतराज है, वो कंडक्ट आपका इन किसी क्लोज में फॉल होना चाहिए। समझ गए गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। सो सेक्शन 4 पे जब भी कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई इंक्वायरी आपको करनी पड़ेगी, तो उसमें 3 स्टेप लिखना है। ये मान के चलो, अगर ये 3 स्टेप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये तो होगा कि इसने आंसर तो बता दिया, बट द वे ही डिड द वे ही प्रोसीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, वे ही प्रोसीड टू फाइंड आउट दिस द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉपर वे। जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में हम लोग करते हैं तो इंक्वायरी करते हैं कि इसमें मर्डर होगा कि नहीं होगा, तो सीधा मर्डर पे जंप नहीं करते। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव कि ये कल्पेबल होमिसाइड के कौन से क्लॉज में आएगा, क्या इंटेंशन टू कॉज डेथ है, और इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी दैट लाइकली टू कॉज डेथ, सेक्शन 299(b) में है, या कॉजिंग डेथ बाय एन एक्ट दैट विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, डेंजरस एक्ट है, क्लॉज 3 में है। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मर्डर में जाएंगे, और फिर मर्डर में देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर एक्सेप्शन अप्लाई हो गया तो फिर से वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। सो वेदर ए पर्टिकुलर डेथ दैट इज कॉज बाय द एक्ट ऑफ द अक्यूज इज ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, इंक्वायरी ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन 299। ऐसे ही सेक्शन 4 में स्टेप हैं, और ये 3 स्टेप हैं। फर्स्ट आपको एक एलिगेशन है, सपोज देर इज ए एलिगेशन, केस आया दैट जियो हैज लॉन्च इट स्कीम बाई विच इट प्रोवाइडिंग टेलीकोम्युनिकेशन सर्विसेज एट 0 रुपीज कॉस्ट। सो वेन समवन इज प्रोवाइडिंग 0 रुपीज एट 0 रुपीज कॉस्ट, इट इज प्रेडिक्टरी प्राइसिंग। यानी कोई 0 रुपए में दे रहा है तो कोई कंपनी लुटने तो नहीं आती है मार्केट में, कंपनी ऑलवेज कम फॉर मेकिंग प्रॉफिट। एंड वेन इट मेकिंग इज 0 रुपीज, दैट मीन इट वॉन्ट टू हंट द कंज्यूमर्स। सो जियो को सेक्शन 4 का वॉयलेशन हुआ या नहीं, उसके लिए पहला प्रूव करना है रिलिवेंट मार्केट। फर्स्ट स्टेज है रिलिवेंट मार्केट। इन सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेप में इस रिलिवेंट मार्केट में आपको प्रूव करना है कि जियो इज इन द डोमिनेंट पोजिशन। एंड इन द इंक्वायरी ऑफ जियो,
केस भी हम पढ़ेंगे. इट फेल्ड दैट जियो इज नॉट इन द डोमिनेंट पोजिशन बिकॉज इट जस्ट स्टार्टेड बिफोर दैट देर इज भारती एयरटेल एंड वोडाफोन हु हैविंग लार्ज नंबर ऑफ यू नो कस्टमर बेस एंड अदर फैक्टर्स एंड सो इट वॉज नॉट इन द डोमिनेंट पोजिशन. वेन डोमिनेंट पोजिशन इज प्रूव देन ओनली थर्ड स्टेज विल कम एंड दैट इज फाइंडिंग दैट द कंडक्ट इट डिड द कंडक्ट दैट इज इन द क्वेश्चन इज फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द क्लॉज इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 2. सो पांच तरह के वो कंडक्ट हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में. इफ यू सी हियर देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन अंडर सबसेक्शन 1 इफ इंटरप्राइज ए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और प्राइस इन परचेज ऑफ सेल. सेकेंड बी लिमिट और रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन. सी इंडल्ज इन प्रैक्टिस रिजल्टिंग इन डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस. डी मेक कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टी. सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन विच नॉट बाई देयर नेचर और अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल यूजेस हैव एनी कनेक्शन विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड ई लेवरेज कहा जाता है इसे यूज इट्स डोमिनेंट पोजिशन इन वन मार्केट टू एंटर इन टू अनदर मार्केट. सो इन पांचों में से कोई एक जगह पे वो फिट होना चाहिए. दो जगह पे हो जाए दैट इज वेल एंड गुड. नाउ ओनली थ्री मेन थिंग्स वी हैव टू डिस्कस हियर. यस नेहा. सर जो जियो है अगर उसकी डोमिनेंट पोजीशन प्रूव हो जाती तो किस कंडक्ट के अंदर उसे दिया जाता. प्रेडेटरी प्राइस सेक्शन 42A. सेक्शन 42 में आप ये देखो यहाँ पे ए में लिखा हुआ है ना कंडीशन और फिर एक्सप्लेनेशन में है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 42A के सेकंड में देखो प्राइस इन परचेज और सेल इंक्लूडिंग प्रेडेटरी प्राइस ऑफ गुड्स. यस सर. ठीक है. सो तीन मेन चीजें हमें इसे पढ़नी है. पहला डोमिनेंस इन रिलेवेंट मार्केट. सेकंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन यानी एक एक क्लोज हम डिस्कस करेंगे. एंड केसेस तो कम दिए हुए हैं बट आई विल टेक सम अदर केसेस आल्सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इस तरह से ये पर्टिकुलर प्रूव करना है. एंड द थर्ड इज प्रेडेटरी प्राइसिंग बिकॉज प्रेडेटरी प्राइसिंग पे जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड इट्स अ वेरी ग्लैरिंग एग्जाम्पल. नाउ फोर केसेस आर गिवन यू इन योर केस मटीरियल. पहला केस है बेलेयर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस DLF एंड हुडा HUDA हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. दिस केस इज रिलेटेड टू रियल स्टेट कंपनीज. जो DLF जो कि वेल नोन रियल स्टेट कंपनी है इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस फ्रॉम दिल्ली मॉडल टाउन DLF ने बनाया था. एंड आफ्टर दैट in the Delhi DDA was came into picture by enacting the DDA act and DDA has the exclusive power to deal with the real estate business in Delhi. So Delhi se hatke nazdeek ke Gurgaon mein shift ho gaye. They made the contract with the farmers and in the Gurgaon they started so many projects and it gained such a famous name that even you in America you know that in the Gurgaon DLF flat to matlab koi bahut achhi property hai. Now this real estate company used to play many tactics. Suppose आपको जब ब्राउचर दिखाया जाएगा सो वेरी फैंसी ब्राउचर ठीक है एक ऑफिस सा बना देंगे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में. यहाँ फ्लैट बनेंगे इतने ऊंचे बनेंगे ये फैसिलिटी होगी. मॉडल आपको दिखा देंगे ब्राउचर्स में सुंदर सुंदर चीजें होंगी उसमें रेजिडेंशियल दिखा देंगे इस तरह का पूरा मॉडल और फोटो के साथ में. एंड देन एक्चुअली यू गेट द पोजिशन तो उसमें वेरिएशन होता है. सपोज आपको दिखाया कि 14 मंजिल का टावर होगा फिर उसमें पता लगा 28 मंजिल इरेक्ट कर दिया. अब 14 मंजिल में है तो जो पार्क जो लॉबी जो लिफ्ट जो एलिवेटर जो सीढ़ियां आप यूज करते थे उसके ऊपर कम बर्डन होता है क्योंकि कम परिवार है. 14 में सपोज करो चार का फ्लैट है तो 14 56 परिवार होंगे. अब उसको 28 का कर दिया तो ज्यादा प्रेशर होगा. यानी जो फैसिलिटीज यूज करते हैं उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. And suppose there is a default in the payment from the customer side, तो ज़्यादा penalty होती है. There is a default in the delivery of the possession of the flats, तो उनके ऊपर कम penalty होती है या होती नहीं है. So there are many conditions that are unfair or discriminatory. Section 42A में है. So this first case, Belair Apartment Owner Association versus DLF and Hooda.
दिस इज ऑन सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्लोज ए सब क्लोज 1, उसके ऊपर ये केस है। एंड दिस केस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अदर परस्पेक्टिव बिकॉज यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फाइल किया था वो कंज्यूमर्स ने फाइल किया था, वो अपार्टमेंट के ओनर एसोसिएशन ने फाइल किया था, ना कि किसी कॉम्पिटिटिंग इंटरप्राइज ने किया। सेक्शन 19(1)(a) में सीसीआई तीन तरह से कॉग्निजेंस लेता है, या तो वो सुमोटो कॉग्निजेंस ले ले, या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी पर्सन, कंज्यूमर, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा। और तीसरा रेफरेंस के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी, बिकॉज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दे आर आल्सो टू मेंटेन द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, उनके वो रेफरेंस करते हैं कि भाई प्लीज मेक द इंक्वायरी बिटवीन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये तीन तरह से होता है। सो इसमें इंफॉर्मेशन फाइल की गई थी फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। सेकेंड केस सुरेंद्र सिंह बर्मी वर्सेस बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई, केस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया दैट दिस केस वाज विद रिस्पेक्ट टू बीसीसीआई यू नो एंगेजिंग द 2020 टूर्नामेंट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग एंड विद रिस्पेक्ट देर वाज सम एग्रीमेंट फ्रॉम बीसीसीआई टू डिफरेंट कंपनी फॉर मीडिया राइट, फ्रेंचाइजी राइट एंड स्पॉन्सरशिप राइट एंड अदर कॉम्पिटिटर, दे अलेज दैट देर इज abuse of dominant position by the BCCI and also there is anti-competitive agreement. Many times both section 3 and 4 also argued that there is violation of section 3 also, section 4 also. So this is on section 4 subsection 2b, that limit or restrict the production of goods or provision of services, limit or controlling, that the media right was for 10 years, that means for 10 years they have controlled ki no other enterprise will get. Aisa nahi ki har saal usme tendering ho rahi ho aur jo zyada dam pe BCCI ko wo service dega ki bhai hum telecast karenge isko ya hum advertisement denge, hum inse bhi zyada paisa denge, to unko nahi mila, to market mein competition nahi raha. So section 42b pe ye case hai. थर्ड केस इज MCX स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 13वां नंबर केस। एंड इन द दिस केस इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, द डिफरेंट सर्विसेज, इक्विटी मार्केट, देन दिस फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट। सो ये अलग अलग तरह के मार्केट जो शेयर मार्केट में ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, उसमें कॉमोडिटीज से रिलेटेड है, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एटसेट्रा। सो उससे रिलेटेड जो MCX ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड उसके बिजनेस को कम्पीट करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत पहले से ही इस तरह की मार्केट में जो है एक अच्छा नाम है, तो उन्होंने मल्टी कॉमोडिटी से रिलेटेड जो है, जो करेंसी डेरिवेटिव से रिलेटेड है, CD से रिलेटेड, उसके अंदर 0 रुपीज पे सर्विसेज प्रोवाइड शुरू कर दिया जियो की तरह। और इसमें ये भी प्रूव हो गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, बेस है, तो डोमिनेंट पोजीशन भी प्रूव हो गई। एंड द कंडक्ट दैट वाज अलेज अब्यूजिव कंडक्ट इज सेक्शन 42A क्लोज 2, जो कि प्रेडेटरी प्राइस वाला, एंड ऑल्सो सेक्शन 42 क्लोज ई दैट देर वॉज लेवरेज NSE that was in one market, that is in the stock market, wanted to enter into currency derivative segment also. The fourth question is, the fourth case is Indian Exhibition Industry Association versus Ministry of Commerce and Industry and Indian Trade Promotion Organization. Indian Trade Promotion Organization ITPO. This is a non-profit company, जो कि मैंने आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया था। सेक्शन कंपनी में सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट सेज ए कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पज, कंपनी बनाने के लिए लॉफुल पर्पज हो सकता है।
दिस पर्पज मे बी प्रॉफिट मेकिंग, दिस पर्पज मे बी नॉन प्रॉफिट मेकिंग, पर लॉफुल होना चाहिए. सो नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पज लाइक चैरिटेबल पर्पज, यू वॉन्ट टू इन यू नो एनहेंस द आर्ट कल्चर यू नो दैट साइंस चैरिटेबल पर्पज. सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक अबाउट इस्टेब्लिशिंग द चैरिटेबल पर्पजेज कंपनीज, नॉन प्रॉफिट कंपनीज. और पहले जो 1956 का एक्ट था उसमें सेक्शन 25 के अंडर होती थी. सो सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती हैं. दिस ITPO इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी दैट इज नॉन प्रॉफिट कंपनी, पुरानी 1956 एक्ट के अंदर सेक्शन 25 में फॉर्म हुई थी. द क्वेश्चन इज दैट इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, बिजनेस तब तक फ्लरिश नहीं होगा व्हेन देयर इज नो एग्जीबिशन. एंड उसके लिए आपने सुना होगा कि प्रगति मैदान पे अलग अलग एग्जीबिशन लग रही है, कभी बुक्स सी एग्जीबिशन, समटाइम देयर इज मोटर एक्सपो एग्जीबिशन, समटाइम देयर इज ट्रेड एग्जीबिशन, समटाइम देयर इज डिफेंस एग्जीबिशन. सो अलग अलग के लिए अलग अलग एग्जीबिशंस लगती हैं. कुछ एग्जीबिशन ITPO खुद ऑर्गेनाइज करवाता है, कुछ एग्जीबिशंस के लिए अगर आपको वेन्यू चाहिए तो वो वेन्यू प्रोवाइड करवाता है. बट ITPO जब अपने आप एग्जीबिशन करवाता है तो उसमें, और अगर किसी दूसरे को वेन्यू प्रोवाइड करवाता है उसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, सेक्शन 4(2) जो ए वाला है, एंड सेक्शन 4(2)(c) that indulges the practice for the denial of market access. So this problem is particularly in section 4(2)(c) denial of the market access. If ITPO you know organize its own event of exhibition, after that there has to be some time gap for giving permission to other exhibition. But koi dusra exhibition hai uske turant baad bina kisi time gap ke किसी तीसरे को भी एग्जीबिशन के लिए दिस वेन्यू कैन बी प्रोवाइडेड. सो दिस केस इज ऑन दिस. सो दीज आर द फोर केसेस. ठीक है, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन.